जबलपुर पुलिस ने वर्ष 2019 में एक युवक के अंधे कत्ल की गुत्थी को अब सुलझा लिया है। पुलिस ने हत्या के आरोप में मृतक की पत्नी और उसके आशिक को गिरफ्तार किया है। दिसंबर 2019 में मझोली थाने में एक युवक के गुम होने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके बाद में पुलिस ने जांच शुरू की। बाद में मालूम चला कि नदी के पास में एक युवक का छत विचित शव देखा गया है। पूछताछ में पता चला कि ये लाश मृतक रामकरण प्रधान की है। पुलिस ने हत्या का प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की तो यह भी मालूम चला कि मृतक की पत्नी अर्चना एवं उसके देवर के बीच में अवैध संबंध था। दोनों के बीच में आपत्तिजनक कई कंडीशंस देखने को मिली हैं और उसके बाद में इसी स्थिति में पति ने देख लिया। पति के साथ विवाद हुआ। 17 दिसंबर 2019 को मृतक रामकरण को आरोपी कपिल बहला फुसला कर ले गया और उसकी हत्या कर दी। अधीक्षक महोदय श्री वरुणा साहब के निर्देशन में जो हमारे लंबित मार्ग थे पिछले साल के जबलपुर जिले के, उनकी सभी की समीक्षा की गई और इस समीक्षा में दिसंबर माह का ये एक बड़ा ही अपने आप में एक इंटरेस्टिंग केस था। साहब ने समीक्षा करके हमारे टीआई साहब को और महिला थाना प्रभारी शबाना परवेज हैं उनको दोनों को इस प्रकरण में गंभीरता से जाँच के लिए बताया। इसमें एक हमारा जो मृतक था उसकी डेड बॉडी मिली थी उसके घूमने के 4 महीने बाद, वो बिल्कुल छत विच्छत हालत में ये नदी के किनारे मिली थी। कार नदी है मझोली थाने अंतर्गत और उस छत विच्छत डेड बॉडी का जो पीएम करवाया गया था उसमें डॉक्टर ने बताया था कि सिर पे कोई चोट है, परंतु उसकी डेड बॉडी छत विच्छत थी, उसको मेडिको लीगल भेजा गया था। इस विवेचना के बाद अभी पीआई साहब जब थाना का प्रभार लिया उसके बाद उसको बारीकी से जाँच की और इनके जितने भी परिजन थे उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ पे कुछ इनका कॉल डिटेल्स और अन्य सबूत जो प्राप्त हुए उससे इनका संदिग्ध आचरण समझ में आया, जिसपे बारीकी से पूछताछ करने पे ये हमारा जो गुम इंसान था उसका छोटा भाई ये कपिल और उसकी पत्नी ये अर्चना, इनने अपना कन्फेशन किया है कि इन दोनों ने जो है मृतक को अपना ले गए कार नदी के किनारे और वहाँ पे ये जो महिला अर्चना है इसके द्वारा इस लोहे के रॉड से उसको सिर पे मारा है जिससे उसकी मृत्यु हो गई और वहीं पे दोनों ने मिलके झाड़ी के किनारे डेड बॉडी को छुपा दी थी। उसके बाद लौट के 2 घंटे बाद इसने चोर मचाया कि पति रामकरण घर पे नहीं है और घटना से 4 दिन बाद ये थाने आके इसने स्वयं ने ही गुम इंसान की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई थी मझोली थाने। तो ये अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही पेचीदा मामला था जिसको कि हमारे अनुभवी टीआई साहब और इनका जो भी इन्वेस्टिगेशन की स्किल्स थे इनने इस्तेमाल की है। पुलिस अधीक्षक महोदय ने हमारे टीआई साहब और शबाना परवेज महिला थाना प्रभारी दोनों को 10,000 रुपये से पुरस्कृत करने के लिए कहा है और इस पूरी टीम के आगे हम रिमांड लेंगे और इसमें इन्वेस्टिगेशन करके साक्ष संकलित करके प्रकरण को जो है न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे। ये अभी तक के जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें प्रथम दृष्टया पता चला है कि इनके जो आरोपी हैं इनके बीच में कुछ गलत संबंध थे जिस बारे में उसके पति को पता चल गया था और उसको रास्ते से हटाने की नीयत से इन दोनों ने प्लान बना के उसको मारा। चलो शुक्रिया। सचिरा भाई।